और छत्तीसगढ़ की भिलाई में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आपने 2019 में एक स्थिर सरकार दी है, परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। वही 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देश की मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक जैसी कुप्रथा से आजाद हुई हैं। वही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता मिली। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, युवा, किसान, महिला, वंचित की होगी। आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो ग्रामीण सड़क योजना के तहत पक्की सड़क से ना जुड़ा हो। कि जो आप नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, ये मजबूत सरकार, स्थिर सरकार और देश के हित में आगे बढ़ने के लिए एक स्थिर सरकार की आवश्यकता होती है। आपने 2019 में एक स्थिर सरकार दी, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो आप सन 51-52 से जनसंघ के दिनों से कहते थे कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे और जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग के रूप में एक ही संविधान के दायरे में आना चाहिए, आपने मजबूत और स्थिर सरकार अपनी उंगली से कमल का बटन दबाकर 2019 में दिया और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने 6 अगस्त 2019 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये उसका नतीजा।